हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे एलएनटी की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली पोजीशन के लिए। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है और कंपनी के अंदर आप ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी। साथ ही साथ यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसके बाद पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1448 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा 7 लाख रुपए पर एनुअल आपको सैलरी देखने को मिलेगा, मतलब कि साल के आपके 7 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपका यहाँ पे अदर बेनिफिट्स आपको अलग से देखने को मिल जाता है। और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी एमबीए बीबीए कुछ भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की एलिजिबल है, डिप्लोमा की एलिजिबल है, बीबीटेक की एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, या फिर अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है तो आप नॉन टेक्निकल की पोजीशन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको अप्लाई कैसे करना है, जॉब को फाइंड कैसे करना है, रिज्यूम को कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा आपका 1300 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने एग्जैक्टली कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा जो कि आप कमेंट करके बताओगे, और जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे दिया है तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा टॉप पे करियर का, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन होगा और आपको जाना है यहाँ पे करंट ओपनिंग वाले सेक्शन के अंदर, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपको इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी वैकेंसी करंट में निकाली गई है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर एकदम नीचे आ जाना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर ऑल जॉब्स का, तो आपको इसी पे करना है क्लिक, जो कि ऑप्शन देख पा रहे हैं ऑल जॉब्स का, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली एक टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है एलएनटी के, जितनी भी कंपनीज हैं सारी की सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जितने भी डिपार्टमेंट है बहुत सारे सेक्टर के अंदर एलएनटी काम करता है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि रहता है यहाँ पे फिल्टर का। आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि मिनिमम कितना एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वर्क साइट क्या रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लोकेशन वाइज भी जॉब को सर्च कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाइज भी जॉब को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में। तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस में क्या डालना है, आपको डालना है यहाँ पे 0 ईयर, और मैक्सिमम के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है 2 ईयर, मतलब कि 0 से लेके 2 साल तक के एक्सपीरियंस के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे वन बाय वन हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे जॉब को फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये भी एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी और सारी वैकेंसी यहाँ पे लेटेस्ट निकाली गई है, जैसे कि 19 अप्रैल का वैकेंसी है, 22 अप्रैल का है, 24 अप्रैल का है, तो ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर एलिजिबल है क्योंकि आपने फिल्टर लगाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये जॉब आपको देखने को मिली है। और अगर आप 10-15 दिन बाद अप्लाई करते हैं या फिर 4-5 दिन बाद अप्लाई करते हैं या फिर अगर आपको ये जॉब शो नहीं हो रही यहाँ पे ऐसा करने के बाद, तो मतलब कि समझना कि जॉब एक्सपायर हो चुकी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी जॉब एक्सपायर हो जाती है। यहाँ पे अगर आपने एमबीए किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने एमबीए बीबीटेक की बात किया हो या फिर आपने यहाँ पे एमबीए सिंपल ग्रेजुएशन की बात किया हो, एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर का वैकेंसी रहेगा, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच के अंदर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, मतलब कि 1 साल तक आपने कोई अप्रेंटिसशिप भी कर रखा कहीं से, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। मैं आपको अप्लाई का तरीका पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये निकाला गया यहाँ पे साइट इंजीनियर का वैकेंसी, जिसमें अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रखा है 1 साल का, एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, एलिजिबल रहेंगे। ऑल ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बीबीटेक वाले भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट रहेगा आपका सेल्स का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट यहाँ पे, और किसी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप एक बार ज्वाइन करना चाहते हैं एलएनटी को, उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और आप यहाँ पे एलएनटी में काम करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव सीए का वैकेंसी है, जिन्होंने सीए सीएमए का कोर्स कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जियो टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर का है, एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का वैकेंसी है, सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर भी किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, और भी वैकेंसी है, फ्रंटलाइन सुपरवाइजर का वैकेंसी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये निकाली गई है फ्रेशर के लिए, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस वालों को कैसे जॉब को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिनिमम एक्सपीरियंस के अंदर आपको डालना है, यहाँ पे 0 साल डाल सकते हैं या फिर आप, ठीक है, और मैक्सिमम के अंदर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 3 साल, ठीक है, तो 3 ईयर में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, 24 अप्रैल को ये वैकेंसी पब्लिश की गई है। डिप्लोमा और बीबीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट का वैकेंसी आपके लिए रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों से यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का, कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, ये भी आपके लिए एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके लिए देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा प्लानिंग इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, और भी वो बहुत सारी वैकेंसी, सर्विस इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रपोजल एंड एस्टिमेशन के अंदर वैकेंसी निकाला गया, जिसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। साइट इंजीनियर का वैकेंसी है, ऑफिसर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा बैक ऑफिस का, जिसके अंदर आपका सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। लीडरशिप के अंदर अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका एग्जीक्यूटिव का है। चैनल सेल्स के अंदर, जिसके अंदर आपका मार्केटिंग का यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा। सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, जिसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी है, जिसके अंदर किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका रहेगा डिफेंस के अंदर रहेगा, मतलब कि डीआरडीओ के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एलएनटी डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात की जाए, और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है एग्जीक्यूटिव का, तो इस तरीके से आप जॉब को यहाँ पे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पोजीशन के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि सर्विस इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ऊपर जॉब कोड दिया रहता है, और यहाँ पे जो दिया रहता है वो आपका जॉब लोकेशन दिया रहता है, यहाँ पे जॉब का रहता है। डिफेंस के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, मतलब कि ये एलएनटी डीआरडीओ के साथ भी काम करता है। तो यहाँ पे ये आपका सर्विस इंजीनियर की पोजीशन रहेगी, उसके अंदर आप डीआरडीओ के साथ मिलकर काम
करेंगे। 4 अप्रैल को वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आपने कोई भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। नीचे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मांगा गया है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर तो आप सर्विस इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आपको सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है जितनी भी मैंने आपको वैकेंसी बताई। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सुपरवाइजर का है, ये आपका शॉप सुपरवाइजर का है, ये आपका ड्राफ्टमैन सिविल का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ये आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रहेगा जॉब लोकेशन रहेगा, इन्होंने चंडीगढ़ को मेंशन कर रखा है। डिफेंस के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए, अगर आपने BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। तरीका यहाँ पे रहेगा, अप्लाई का ऊपर बटन दे रखा है, अप्लाई का इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, इन सारी वैकेंसी के लिए आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले बटन पे, आपके सामने एक टैब ओपन होगा, आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूज़र का, इस पर आपको करना है क्लिक। सिंपल सा आईडी आपको क्रिएट कर लेना है, देन फिर आपको साइनअप कर लेना है। आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके कैरियर वाले पेज पर, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।